तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौकरियों को बेचने का काम किया है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में ईमानदारी से मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के 2,80,00,000 मतदाताओं के लिए जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसको सरकार बनते ही 8 अक्टूबर के बाद लागू कर दिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान कहा। मुकेश सोढ़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी शॉल देकर के स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। दोनों के साथ हमेशा नहीं नहीं हमने और इसको सारे पूरे प्रदेश में सामने की 50 लोगों पर एक नौकरी दी जाएगी किन महीनों के लिए। उद्धव की सरकार थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में उद्धव की सरकार में ये प्रतिक्रिया कोर्ट की थी कि ये लाले की दुकान है, यहाँ नौकरियां यहाँ ट्रांसपेरेंसी में नहीं दी जा रही। और वही सिस्टम आज दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा आया है और उसके बाद इन्होंने 2,00,000 नौकरियों की बात कही है, इनके विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है, इनके प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया आई है कि मेरे हिस्से के अंदर 2,000 नौकरियां आ रही हैं, भाइयों ये इन नौकरियों को फिर बेचना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति को नौकरी से दूर करना चाहते हैं। भाइयों जो सिस्टम 2014 से पहले था वही सिस्टम।